जय श्री कृष्णा, नमस्ते, जय श्री राधे, भारत माता की जय। आज हम आपके साथ में जुड़े हैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, और हर रोज़ कुछ न कुछ आपको, जैसे पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, उत्सव आते हैं, आपको जानकारी या उनका विश्लेषण या उनके महत्व के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ आने वाला जो पर्व है भारत में, वो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, जो बहुत जल्दी हमारे बीच में उपस्थित होने वाला है, और आप उसे मनाने के लिए पूरा देश तैयार है। और हम सब जानते हैं कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आज के स्वरूप में सबको उसकी तैयारियों के लिए सबके अंदर उत्साह है, और मैं चाहूँगा कि 26 जनवरी को आने वाला जो समय है, वो हमारे परिवार में, हमारे युवा साथियों में और वीर वीरांगनाओं में जोश भरने वाला होता है, क्योंकि 26 जनवरी को दिल्ली में इंडिया गेट से जो परेड आप देखते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, पूरा देश जो है लगभग उस पर जुड़ा रहता है टेलीविज़न पे, मोबाइल पे, और उस परेड की झांकियों को हम देख करके यह एहसास करते हैं कि इस देश को स्वतंत्रता, यानी कि इस तरह का आनंद देने के लिए, हर आदमी को स्वतंत्र रहने के लिए जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई थी, उस आज़ादी को लागू करने के लिए जितनी मेहनत हमारे नेताओं ने, बुजुर्गों ने की, उनके लिए ही ये शुभ श्रद्धांजलि के रूप में ही हम इसे मनाएं। और हमें लगता है कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस दिन को पाने के लिए अपनी कुर्बानियां कर दी, शहीद हो गए देश के ऊपर, और जिनमें आप सब जानते ही हैं, बहुत सारे संतों के नाम आते हैं, जैसे स्वामी श्रद्धानंद हैं, उनका नाम आता है, तात्या टोपे आदि जिनके नाम आते हैं, भगत सिंह, आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस आदि जिनके नाम आते हैं, और ऐसे ही वीर अब्दुल कलाम जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके नाम हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं जिनका नाम है, जो सेना में रत थे, सेना में कार्य करते थे, हमारी जो है तीनों सेनाएँ, जल, नव, थल, ये तीनों जो सेनाएँ हैं जिनके पराक्रम को 26 जनवरी के रूप में हम देखते हैं, और उसी रूप में हम इसे मनाते हैं। तो अभी आने वाले समय में दो दिन के बाद 26 जनवरी का पर्व आएगा, जिसे हम लोग त्यौहार के रूप में ही मनाते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के गौरवशाली पर्वों में से एक पर्व है, एक त्यौहार है, एक उत्सव है, जो हमारे यहाँ मनाया जाता है। सभी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है कि भगत सिंह के पाठ पढ़ाए जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के पाठ पढ़ाए जाते हैं, महात्मा गांधी के पाठ पढ़ाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं, उन्हें उत्सव के रूप में भी प्रकट किया जाता है। ये संस्कृति हर देश में होती है, और अपने अपने फ्रीडम के लिए सारे देश जीते हैं, और जब हमें फ्रीडम मिला, जब हमें ये आनंद मिला, और हमारे आनंद के लिए जो कानून, संविधान जो बना, उसको लागू करके जो खुशी हमारे देश में आई, उस खुशी को प्रस्तुत करने का ये एक शुभ अवसर दिन है 26 जनवरी का। तो हम और आप सब लोग सभी कामों से निवृत्त होकर 26 जनवरी के 72वें गणतंत्र दिवस का आनंद लें, और उस दिन के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके कहीं ना कहीं, आप जहां भी कोरोना काल में जिस प्रकार से इस उत्सव को मनाने की तैयारी चल रही हैं, वैक्सीन्स लग रहे हैं, दूसरे पड़ाव के वैक्सीन्स भी चालू होने वाले हैं, पूरा देश जो है लगभग बहुत अभी आनंद की ओर है। संकट का जो समय था वो चला गया, और संकट के बाद जब बाहर आते हैं हम लोग, समाज बाहर आता है, दुख के बाद सुख में जब प्रवृत्त होता है, तो वो किसी भी उत्सव को अच्छे से मनाना चाहता है। तो 26 जनवरी के दिन आप सुबह से ही कुछ समय अपने देश की खुशियों में सम्मिलित होकर के, अपने परिवार के साथ, अपने सभी समाज के साथ, सभी प्रकार के संस्कृतियों के साथ मिल करके 26 जनवरी के दिन को आप प्रस्तुत करें, मनाएँ, और उस उत्सव को मना करके आप ये महसूस करें कि आज का दिन आपके लिए कितना गौरव का है, और गौरवशाली है, गौरवान्वित करने वाला है। आपके पूर्वज, आपसे पूर्व जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कितनी सारी कुर्बानियां, कितने बलिदान दिए, तब जाकर ये आनंद मिला है। समय आने पर हमें भी ये सीख 26 जनवरी के दिन से लेनी चाहिए। गणतंत्र दिवस जो है हमारे लिए सीख लाया है, और ये सीख लाता है, हमें याद दिलाने के लिए आता है, बार बार हमें जगाने के लिए आता है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए
किस तरह से बलिदान देकर हमें यहाँ तक लाया। तो आप सब लोग भी समय आने पर इसी प्रकार के बलिदानों के साथ में अपने बच्चों को शिक्षा देते हुए देश को इसी तरह आज़ाद और स्वतंत्र और आनंद के साथ में संविधान और कानून के साथ में जीने की कला सिखाएंगे और अपने बच्चों को हमेशा हमारे तीनों जल थल नव सेनाओं के प्रति सम्मान देने की शिक्षा आप देते रहेंगे। 26 जनवरी का वास्तविक स्वरूप यही है कि हम अपनी तीनों सेनाओं का सम्मान करें और पीछे जो हो गया जिसके द्वारा हम आज प्रसन्नता से भारत में रह पाते हैं, संविधान कानून जो भी है, सब चीज़ जो आपके मर्यादा और आपके जीवन के समाज के कार्यों को चलाने के लिए जो योग्य है उन सारी चीज़ों को लागू किया गया और पूरी तरह से आप आनंद से 26 जनवरी के दिन प्रसन्नता के साथ में आपको संविधान प्राप्त हुआ और आपके साथ में ये संविधान आज तक जुड़ा है। तो आप भी अपने परिवार और समाज में संविधान के साथ आगे बढ़ें और 26 जनवरी के दिन जरूर जरूर आप उसको आनंद लें। तिरंगा झंडे की शान आपके साथ जुड़ी है, आप महान, आपका देश महान, तिरंगा महान, ऐसे नारे के साथ में आप अपने देश और अपने आप को तिरंगे को महान बनाते हुए अपनी संस्कृति को, अपने संगठन को महान बनाएं। ऐसी कामना के साथ आपको 26 जनवरी की तैयारियों के साथ आप जुड़े रहें और 26 जनवरी में जहां भी आपको मौका मिले वहां अवश्य शामिल होकर के तिरंगा झंडे को ऊंचा बढ़ाने की कोशिश करें, ऊंचा रखने की कोशिश करें और वो आत्मविश्वास से, आत्मबल से ही बढ़ेगा। ऐसी कामनाओं के साथ एक बार पुनः पुनः आने वाले 26 जनवरी के दिन आपको आनंद प्राप्त हो और आपका देश और आपकी संस्कृति और आप कुशल मंगल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का ये पर्व मनाएं और आपको किसी प्रकार का विघ्न परमात्मा ना करे और ये संपूर्ण तरीके से संपन्नता के साथ ये 26 जनवरी का दिन आप मनाते जाएं। और सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।